साथियों, आज मैं आपको चैनल ग्रो करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है और आपने अभी अभी चैनल बनाया है और अभी अभी चैनल पर काम करना सीखा है, ज़रूर देखिए वीडियो, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। मैं जो आज आपको सिखाने वाला हूँ, अपना अनुभव मैं शेयर करूँगा, मैंने क्या कमियाँ की जिस वजह से मेरा चैनल ग्रो देर में हुआ, और जे चैनल पे मेरी एक गलती की वजह से जिस चैनल में मुझे टाइम लग रहा है, जबकि दूसरा चैनल मैंने 2 महीने में ग्रो कर लिया। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और वो अनुभव आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब से 2 साल में बहुत कुछ सीख लिया है, और मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो। मैं चाहता हूं कि आपको 2 महीने में ही वो सब कर ले जो मैं दूसरे चैनल पे कर रहा हूं। अगर आपने नया चैनल बनाया है तो आप भी इसी चैनल पे आप काम कर पाएं। साथियों, मैं आपको पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं, और आप क्या गलती करते हैं कि आप भी वो ना करें। आज मैंने भी ये चैनल 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, और आज 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे जाइए और लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल है, आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके टॉपिक से रिगार्डिंग, आपको कोई सा भी टॉपिक है, आपका कैसे चैनल को ग्रो होना है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सबसे पहले एक गलती बता देता हूँ। आपने अपना चैनल बनाया और सबसे पहले आप एक भी सब्सक्राइबर नहीं होता तो हम दोस्तों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये बिगेस्ट मिस्टेक है यूट्यूब की, और हर यूट्यूबर जो नया नया बंदा यूट्यूब पर आता है तो वो सबसे पहला ये काम करता है। मैंने भी अपने चैनल पे ये गलती करी, जिसका खामियाजा इस चैनल पे मैं भुगत रहा हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक आपको ये नहीं करना है। आपने चैनल बनाया, आपके 0 सब्सक्राइबर हैं, आपको किसी से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलना है, आपका चाहे दोस्त हो, आपका चाहे रिश्तेदार हो, ठीक है। दूसरी बड़ी गलती कि आपको WhatsApp पे भी वीडियो नहीं शेयर करना। हमारे क्या होता है कि हम सबसे पहले जब चैनल बनाते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमने जैसे वीडियो डाल दिया तो फटाफट से उसको हम अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्साइटमेंट होता है, मैंने वीडियो बनाया है मेरे, तो वो खुशी में हम अपने दोस्तों को ग्रुप में WhatsApp पे शेयर कर देते हैं। साथियों, अब तो 5 का ऑप्शन हो गया कि शेयर करने का, पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। पहले वीडियो बनाया और फटाफट हम शेयर कर देते थे कई लोगों को। मैं क्या गलती करता था, मैंने जैसे ही चैनल बनाया और कम से कम 25-30 लोगों को फटाफट वीडियो शेयर कर दिया। तो साथियों, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये गलती आप करोगे तो आपका वीडियो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस कारण क्या है कि हम जैसे ही वीडियो शेयर करते हैं बनाने के बाद, तो 25 में से हो सकता है 1 लोग देखें, हो सकता है 2 लोग देखें, कुछ लोग उस पर क्लिक करके वापस हो जाए, तो उससे वीडियो की रीच गिर जाती है और YouTube को लगता है कि इनका चैनल या इनका वीडियो चलने लायक नहीं है और वो वीडियो आगे नहीं बनाता। भले ही आपका वीडियो बहुत अच्छा हो, आपका चैनल नहीं चलेगा, आपका वीडियो नहीं चलेगा। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक आपको अपने साथ नहीं करनी है। आपको भले ही 0 सब्सक्राइबर हैं, भले ही आपका चैनल पर कोई भी व्यू नहीं आया है, तो आपको हताश नहीं होना, फिर दूसरा वीडियो बनाना है, उस पर 5 व्यू आए, आने दो, फिर दूसरा वीडियो बनाना है। और अब आप YouTube पे आए हैं तो 2, 5, 10 वीडियो आके वीडियो वायरल करने की सोचोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको टारगेट रखना है कम से कम 200 वीडियो का, 200 वीडियो का अगर टारगेट रखोगे, यू हैव टू टेक टारगेट ऑफ मोर देन 200 वीडियो, तो उसके बाद आपका वीडियो चलेगा। क्योंकि अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे और 2-10 वीडियो में ही आप हताश हो जाएंगे तो आपका चैनल वहीं गिर जाएगा, आपके चैनल की रीच गिर जाएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हाँ, YouTube 200 वीडियो अगर आप बनाएंगे तो आपका 100% वीडियो एक YouTube वायरल करता है। और साथियों, आपको किसी को सब्सक्राइब करने नहीं बोलना है। आप सोचेंगे जब मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा तो मेरा चैनल कैसे चलेगा, तो साथियों आपको किसी से नहीं बोलेंगे, YouTube
नया चैनल आप बनाते हैं तो नए लोगों को ज़रूर YouTube इम्प्रेशन भेजता है, नए लोगों को भेजता है आपका वीडियो, और जब जो उस कैटेगरी के होते हैं और उन्हीं को भेजता है जो जिस कैटेगरी के वीडियो देखना पसंद करते हैं। YouTube एक बहुत बड़ी मशीन है और बहुत बड़ा उसका एल्गोरिथम है, और उसकी सबसे खास बात यह है कि YouTube का जो वीडियो है उन्हीं के पास जाएगा जो वो वीडियो देखना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा, सपोज कीजिए आप किचन के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको किचन के वीडियो लाइन से खुलते हैं, आप कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको कॉमेडी वीडियो पसंद खुलते हैं, आप टेक्निकल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको लाइन से टेक्निकल वीडियो ही देखते हैं। मीन्स आपका इंटरेस्ट YouTube पकड़ लेता है और वो ही वीडियो आपके सामने पेश कर देता है। तो इसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी दोस्त को या शेयर करोगे तो आपका वीडियो वो नहीं देखेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है कॉमेडी देखने का और आप उसको सैड दिखा रहे हो म्यूजिक या सैड चीज़, तो वो नहीं देखेगा। इसलिए उसके इंटरेस्ट के हिसाब से YouTube जब भेजेगा तो आपका वीडियो चल पड़ेगा। साथियों, आपको सबसे बड़ी एक और चीज़, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं भी चाहता है तो टाइम वेस्ट कर सकता था, मैं नौकरी के साथ आज YouTube पे भी हूँ, नौकरी के बाद मैं चाहूँ तो घूम फिरूँ, मेरे और दूसरे दोस्त हैं, मैं घूमते फिरते हैं, इन्जॉय करते हैं, लेकिन और बोलते हैं जॉब के साथ टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं समय निकालता हूँ जॉब के साथ घूमने के अलावा, एक घंटा YouTube पे दे देता हूँ और वीडियो डाल देता हूँ। और दोस्तों, इसका रिजल्ट मुझे आगे मिलेगा और अन्य चैनल पर मिल रहा है, इस पर भी मिलेगा। और साथियों, आपको सबसे बड़ी गलती, अगर आपके 50-100 व्यू आ रहे हैं तो भी आपको YouTube छोड़ के नहीं जाना है। 50-100 व्यू आने के बाद भी YouTube एक वीडियो वायरल करेगा और आपके वीडियो से लाखों रुपए आप अर्निंग कर पाओगे। जी हाँ, YouTube बहुत कमाई, बड़ा कमाई का साधन है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना YouTube देता है। दोस्तों, आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ टाइम निकालिए, खेलने कूदने नहीं चाहिए। मैं भी चाहता तो क्रिकेट खेलने जा सकता था, मैं भी चाहता तो अन्य जगह जा सकते थे, आप भी चाहें तो आप समय बर्बाद ना करें, आप एक घंटा YouTube पे निकाल के उस पर काम करिए, और आप जब अच्छे से काम करेंगे तो आपका चैनल बढ़ेगा। आपको ये नहीं सोचना कि 200 वीडियो डाल दिए, लेकिन 200 ही वीडियो आपको अलग अलग आपका इम्प्रूवमेंट करना है। मीन्स आपका हर एक वीडियो पहले वीडियो से अलग होना चाहिए, पहला जो वीडियो था उससे इम्प्रूव करके दूसरा डालना है, दूसरे से इम्प्रूव करके तीसरा डालना है। आप मेरे देखिए, मैंने कितने वीडियो डाल दिए, मैं चाहता YouTube छोड़ के चला जाता, लेकिन मेरा हर वीडियो आप पहला देखेंगे तो पहला वीडियो अलग था और आज का वीडियो अलग है। टाइटल बनाना, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल बनाने से लेकर वीडियो एडिटिंग तक और वीडियो बनाने तक बोलने तक में मेरा सुधार हुआ है, आपका भी होगा। और एक बार आप जब ये सब सीख जाएं तो आपको किसी भी कंडीशन में YouTube छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अब आप उसके मास्टर बन गए हैं। और जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं, किसी चीज़ के मास्टर बन जाते हैं, तो हम उस चीज़ को कमाना सीख जाते हैं, उस चीज़ से हम एक तरह से खेलना सीख जाते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप किसी भी कंडीशन में हार ना माने, और आपका नया चैनल है तो आपको एक ही कैटेगरी को बना के रखना है। मेरी एक और गलती इस चैनल पे जी हुई थी कि मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाई, आप जाके देख सकते हैं, मेरी कोई कार्टून की वीडियो डली है, कोई है ना आपके एजुकेशन की डली है, कोई आपके टेक की डली है, किसी प्रकार की न्यूज़ की डली है। जो ये मैंने गलतियां अपने चैनल पर की, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा आप ऐसी गलती आपके चैनल पर करें, तो आपका चैनल जब भी आप ग्रो कर पाएंगे। मेरी गलती जो मैंने सजा भुगत रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस भुगते, और जो नए सब्सक्राइबर भी हैं, जो वीडियो देखना है, वो ये गलती मत करिएगा। आप छोटा यूट्यूबर समझ के बिल्कुल इग्नोर मत करिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि वीडियो से अर्निंग कैसी होती है और कुछ सीखना चाहते हैं जो कोई नहीं सिखाएगा, जो आज मैंने ये बात बताई। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप अपना चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जय हिंद।